एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो आप ये देख रहे हैं हमारे बीच में जो एडवोकेट हैं, ये सभी कानून के ज्ञाता हैं। इधर मैं अनोक को ये इधर को दिखाएं, ये सभी कानून के ज्ञाता हैं। और जो परसों की जो एक घटना है उसको लेके चिंतित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है, वो क्यों खतरे में है, कैसे खतरे में है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस बात को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसी बात तो जरूर है जो उनके मन में टीस पैदा करती है, और टीस ऐसी पैदा करती है कि लोकतंत्र खतरे में। उसी संदर्भ में हमारे बीच में डॉक्टर सत्यप्रकाश एडवोकेट जी हैं, जिन्होंने लॉ के अंदर पीएचडी करी है। आइए हम जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये कल परसों का जो प्रकरण है, जो हमारे जो न्यायाधीश हैं, अब वो सीरियल में लगे हुए हैं कि वो भी एक मुख्य न्यायाधीश बनते, लेकिन उनके मन के अंदर एक ऐसी पीड़ा उत्पन्न हुई कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतवर्ष के अंदर पहली ऐसी घटना है जब से देश आज़ाद हुआ है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद रहा? देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये दुनिया को दिग्भ्रमित करने का एक तरीका मात्र है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर हम सोचते हैं कि कुछ भी आउटकम निकलेगा, तो कुछ भी आउटकम निकलने वाला नहीं है। क्योंकि ये चार जजिस वो हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कभी जस्टिस करुणानंद के खिलाफ, जो जस्टिस करुणानंद के फेवर में नहीं बोले। इन लोगों ने क्या, जब जस्टिस करुणानंद ने करप्शन की आवाज़ उठाई थी, इन लोगों ने करप्शन की बात की क्या? अपनी पूरी स्टेटमेंट में क्या जस्टिस करुणानंद की बात की? क्या ये वो लोग हैं जो लोग आज द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द मनुवादी मीडिया, दे आर बैगिंग बिफोर द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द मनुवादी मीडिया? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ एसएम न्यूज़ के माध्यम से, कि इस भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज बहुत बड़ा है या एक मनुवादी मीडिया जिसके सामने वो भीख मांग के अपना रोना रो रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अगर एक मीडिया के सामने रोना रो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि मनुवादी मीडिया ही सब चीज़ तय करती है। इन चार जजों के हाथ में इतनी पावर थी कि ये जो भी जजमेंट लिखते उस जजमेंट को इन्फोर्स करा सकते थे। इन चार जजों के हाथ में ये पावर थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना के कुछ भी डिसीजन देते और उसका एग्जीक्यूट करा सकते थे। इन चार जजों के हाथ में ये पावर थी जब ये सिटिंग जज थे, कि जब करप्शन का मुद्दा हुआ और जस्टिस करुणानंद को जेल भेजी, तब इन्होंने अपनी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आज जब इन्हें हीरो बनने की बात है और जब बाईपास करने की बात है कि भाई हम नेक्स्ट सीजीआई नहीं होंगे, कोई दूसरा नेक्स्ट सीजीआई होगा, तो ये तब क्यों चुप बैठे हुए थे जब दीपक मिश्रा को बाईपास करके मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? लेकिन आज इनके पेट में इस वजह से दर्द हो रहा है कि जब ये डेमोक्रेसी को बचाने की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी के बचाने की जब आप बात कर रहे हो, और एंटी रिजर्वेशन जितने भी लॉ हैं, एंटी रिजर्वेशन जितने भी कानून हैं, उस पर आप जब निर्णय देते हो बैठ के, तो क्या वो डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है? क्या वो जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसको तुम तोड़ नहीं रहे? जब इंदिरा साहनी केस के अंदर 50% रिजर्वेशन की लिमिटेशन तय कर दी जाती है, और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ऑफिस मेमोरेंडम 1997 को क्वेश्चन करके प्रमोशन इन रिजर्वेशन रिजर्वेशन परमिशन को ख़त्म करने की बात करता है, तो क्या इन चार जजों में से किसी ने भी सुओ मोटो लेके उस लोकतंत्र को बचाने की बात की? जी, क्या लोकतंत्र सिर्फ उन चार लोगों के हिसाब से तय होगा, या भारत की 85% जनता के हिसाब से लोकतंत्र तय होगा? क्या आपको इस बात का डर है कि आप जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, जिसमें पक्ष भी अपना हो, विपक्ष भी अपना हो, सत्ता भी अपनी हो, विपक्ष भी अपना हो, बोले भी हम और चुप भी हम रहें, तो क्यों आप जस्टिस करुणानंद की आवाज़ को दरकिनार कर देते हो? क्यों जस्टिस करुणानंद को हाशिए पे ले आते हो? और आप जब दुखड़ा रो रहे हो मीडिया के सामने, ये घड़ियाली आंसू जब आप बहाते हो, आपके पास में इतनी ताकत है कि आप पूरे भारत का जो कानूनी इतिहास है, आप अपनी पावर को इस्तेमाल करके फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके कोई भी डिसीजन को एग्जीक्यूट करा सकते हो, कि अगर आपके पास कुछ भी है करप्शन के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए। पर क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। आपने सिर्फ चार मनुवादी मीडिया के लोग अपने सामने बिठाए और कहा कि हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो लोकतंत्र की आवाज़ क्यों आप दबाते हैं? तब आप कहाँ थे जब एंटी रिजर्वेशन फैसले दिए जाते हैं? तब आप कहाँ होते हो जब लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम की बात होती है? क्या आपने किसी भी ईवीएम के खिलाफ कोई भी डिसीजन दिया?
अब जब जो भी सरकार आती है एक मानसिकता के साथ, मैं ये नहीं कहता कि वो ब्राह्मणवादी है या शूद्रों की है या अनुसूचित जाति की है, जनजाति की है, जब भारत के अंदर जितना करप्शन जब आप पैदा करते हो तो क्या आप स्वयं मोटो लेके उस पर कोई कार्रवाई करते हो? आपके पास यू हैव एम्पल ऑफ पावर्स टू टेक कॉग्निजेंस एंड अस्यूम मोटो पावर एंड गिव एनी वर्डिक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेफ द डेमोक्रेसी, बट डिड यू डू? बट वाई यू आर, हिंदी में एक है कि क्यों आप गड़ियाली आंसू बहा रहे हो कि लोकतंत्र को बचाना है? लोकतंत्र को बचाना है तो क्या मीडिया के सामने भीख मांगना जरूरी है? सर, क्या ये जूनियर सीनियर का मैटर है या मतलब क्या मैटर है ये? जूनियर सीनियर का मैटर जब आप चार लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोगों को बाईपास करके आए तो तब आपने ये बात नहीं की जूनियर सीनियर का? जब सिटिंग जजेस के बच्चे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, हाई कोर्ट जजेस होते हैं, तो तब आप इस बात को जूनियर सीनियर की बात को नहीं रोते? जब दीपक मिश्रा जी को लाया गया था तो उस वक्त भी उन्हें बाईपास करके लाया गया था। अब आपको यह लगता है कि आप चारों बाईपास होंगे तो आपको लोकतंत्र को बचाने की याद आ रही है? अब जब तुमने संविधान का बेसिक ढांचा तोड़ दिया और कॉलेजियम सिस्टम लिया है, वेदर द कॉलेजियम सिस्टम इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी, why don't you raise voice against the collegium system which give equal opportunity to the all the classes and the caste and the all the persons of the India? But did you raise? No. If there is question of juniority and seniority, you yourself made that collegium system and you never raise voice in any judgment against the collegium system. When central government was bringing national judicial liability bill and लो अकाउंटेबिलिटी बिल, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले उस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया, तो वो क्या संविधान की आत्मा को तोड़ने वाला नहीं था? सर, ये मेरा मानना ये है, जो चीफ कर्नल साहब ने ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था जी, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, इसके तहत उन पर दुनिया भर की चार सीट वगैरह लगाई गई। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इन्होंने भी इसी तरह के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। क्या जो कर्नल जस्टिस कर्नल को सजा मिली, क्या उनको भी उसी दायरे में या इनके ऊपर लागू होता है या नहीं होता है? नहीं, देखिए, मैंने जैसे आपको ये बताया, जातीय स्तर पर इस तरह की भावना, एक मैंने लिखा था कि हिंदू मुस्लिम जी, हिंदू मुस्लिम और जातिवादी हो गया है आज करप्शन, हिंदू मुस्लिम जाति वादी हो गया है आज करप्शन जी। एक तरफ है चार जज और दूसरी तरफ जस्टिस कर्णन जी जी जी, ठीक है। जब जाति की बात होगी तो आप जस्टिस कर्णन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर में विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश लॉ यू विल सेंड हिम बिहाइंड द बार, बिकॉज एंड इवन दो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन हिम प्रोटेक्टेड हिम, इंस्टेड ऑफ दैट यू सेंड हिम बिहाइंड द बार जस्टिस कर्णन। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन चारों के खिलाफ कोई भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। क्यों? उसका रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, और उसमें मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश का कोई भी वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता। और रही बात सुप्रीम कोर्ट जो कंटेम्प्ट पटिशन कंटेम्प्ट इशू कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए कर सकता है, सिटिंग जजेस के लिए बिल्कुल नहीं कर सकता। और दूसरी बात, और जो जस्टिस कर्णन को जब इन्होंने सजा दी और जेल भेजने की पूरी प्रक्रिया, उनको डिफेम करने की बात हुई, जब इंटरनेशनल लेवल पे ये बात उठी कि भाई करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला एक व्यक्ति भारत के अंदर जेल के पीछे भेज दिया गया है, तो इस चीज़ को दबाने के लिए इन चार जजों ने ये बात कही। ये चार जब जब जज जब करप्शन की बात क्यों नहीं करते? जब करप्शन के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए जाते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने लाए जाते हैं, करप्शन का जातिवाद ही है कि लालू यादव को जेल भेजा गया, करप्शन का जातिवाद ही है कि कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति अगर कोई भी काम करे तो उसे आप कहते हो कि भाई यह करप्ट है, परंतु वही करप्शन दूसरी कम्युनिटी के लोग करेंगे तो करप्शन की परिभाषा में नहीं आती। और अगर इन चार जजों में ये हिम्मत थी, अगर ये भारतीय लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो इन्होंने उस मीडिया के सामने ये क्यों नहीं दिखाया, ये क्यों नहीं प्रूव किया कि क्या करप्शन है और किस प्रकार लोकतंत्र को खतरा है? ये तो ये बात हुई कि आपने ये तो बता दिया कि भाई करप्शन हो रहा है और लोकतंत्र को खतरे में है, लेकिन जिस जस्टिस कर्णन ने ये बताया कि करप्शन किसने किया, कैसे किया और क्यों किया। सर, एक तो बात वही आ गई है कि हिंदी में कहावत है कि हम करें तो रासलीला, अगर तुम करो तो कैरेक्टर लीला। करेक्टर लीला।
तो सर ये आज ये माना जाता है कि आज पूरे भारतवर्ष को ये पता लग गया कि जो गरीब आदमी एक न्याय की उम्मीद रखता है उन्हें न्याय मिलने वाला नहीं है। देखिए गरीब आदमियों के लिए जो न्याय व्यवस्था भारत के अंदर आज चल रही है वो गरीब आदमियों के लिए नहीं है। अगर यहाँ सुब्रत राय सहारा की बात होती तो सुप्रीम कोर्ट शिव मोटो ले लेता। अगर किसी और की बिल्डर की बात होती तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट शिव मोटो ले लेता। लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी दलित पे अत्याचार हुआ? सहारनपुर में अत्याचार हुआ, ऊना में अत्याचार हुआ और कोरेगांव भीमा कोरेगांव में अत्याचार हुआ, तो किसी क्या हाईकोर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट ने खेरलांजी में हुआ, बदानी टोला में हुआ, फूलपुर बाते में हुआ, क्या इन सभी चीजों में किसी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने कभी कॉग्निजेंस लिया? लेकिन अगर वहां किसी दूसरे लोगों की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट शिव मोटो लेगा, हाई कोर्ट शिव मोटो लेगा। और न्याय व्यवस्था का हम लोग, हमारा रिजर्वेशन जो है वो संविधान आने से पहले अस्तित्व में था और आप उसको चाहे वाई के सबरवाल का केस हो, मिनरवा मिल सबर का केस हो या दूसरे केसेस हो जिसमें लिमिटेशन 50% तय किया गया, क्या ये संविधान की भावना के विपरीत नहीं था? तो ये एक प्रकार का करप्शन नहीं है? करप्शन का मायना और करप्शन का पैमाना ये नहीं होता कि एक व्यक्ति ने पैसे लेके दूसरे का काम कर दिया। करप्शन का पैमाना ये भी है कि हे बनिए क्या दीन जनों की सुनते नहीं हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार। क्या ये करप्शन नहीं है कि जिस आर्टिकल 16(4)(15)(4) को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मौलिक अधिकारों को अंतर्गत लेके आए जी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मौलिक अधिकार मानने से मना कर दिया।